अस्सलाम वालेकुम खान लाला। वालेकुम सलाम। खान लाला क्या हाल है? खैरियत है? क्या नाम है आपका? अब्दुल वली। अब्दुल वली किस जगह से आए हैं? तीन वाड़ों से। अच्छा, तो ये आपकी कितनी भेड़े हैं? 300 भेड़े। और इनकी एक भेड़ की कितनी कीमत होगी? एक भेड़ नो 25 से 30 हज़ार। अच्छा खान लाला, इनको आप क्या क्या खिलाते हैं? घास वगैरह? मिस्सा खा गया, मक्की खा गया। अच्छा, मिस्सा खा गया, मकई खा गया। अच्छा, एक ही बंदे तो आप? एक ही बंदे हो? अच्छा, तो आप एक ही सारा दिन इनको घुमाते रहते हो? सारा दिन आप इनको चराते हो? हाँ, मैं था एक आदमी है मेरे। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये आपकी 300 भेड़ है, ठीक है जी। ये तो सब देख सकते हो, आपने देखा होगा कि खान साहब बता रहे थे कि ये 300 भेड़े हैं इनकी, और ये आप देख सकते हैं कितनी, तकरीबन 25 से 30 हज़ार की एक भेड़ है इनकी। और ये देखें कितनी भेड़े हैं इनकी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीब करे भाई इनके 25-30 हज़ार के हिसाब से अगर 300 भेड़ का आप रेट लगाएं तो कितना बनेगा दोस्तों। आज थोड़े वास्ते एक नवी वीडियो गिन के आज थोड़ी खरीब के हाजिर होया। ये वीडियो दोस्तों इन भेड़ा के बारे, भेड़ा देखो ये सारे भेड़ा खाना बदोशा दी हैं, कम अज कम 400-500 भेड़ है। ये देखो भेड़ा चेक करो कितनी है भेड़ा, सारिया पीछे फिरनिया पी। इन्हें भेड़ जंगल चराते अगे पीछे सारा। मजीद खान साहब को पुछा कि इन्होंने कितनी भेड़ा ने, मिसा शिसा कितने खती ने, कितनी कमाली थी। दोस्तों अगर इट्ठा वही तो इस काम में बड़ा मुनाफा है, इस काम में चंगा भला मुनाफा है। एक एक भेद तकरीबन 20-20 हज़ार भी है, और लखा भी माल है। ये देखो अगर अस आखा कि काम ही भेजा तो ये मनने वाली गल नहीं है, ये देख सकते हो, ठीक है। मजीद गुड सेल्फी। ये देखो जनाब, ये देखो